अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया मिर्जा और मेरे साथ हैं मरियम मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सोफिया? आई एम गुड। वैसे तो वी लिव टुगेदर बट स्टिल आई शुड आस्क हाउ आर यू। हम बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज जो लेट्स टॉक में हमारा टॉपिक है मरियम, वो क्या है? हमारा टॉपिक इज अबाउट डिप्रेशन, डिप्रेशन इन यूथ या डिप्रेशन ऑल ओवर द सोसाइटी। और ये डिप्रेशन जो है, बेसिकली डिप्रेशन है क्या? यूजली हम समझते हैं कि डिप्रेशन शायद कोई बीमारी है या क्या चीज़ हो सकती है। डिप्रेशन को टैबू पे भी समझा जाता है, लोगों को कह रहे हैं हम बात नहीं करें इसके बारे में। हाँ। लोग कुछ और समझते हैं, साइको समझ लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। नहीं, ये ठीक है, लेकिन वो थेरेपी होगी, चीज़ें होगी, बट वट डिप्रेशन होता क्या है? होता ये है कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी नहीं है, आपकी मेंटल स्टेट है। जो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है और जो वाकई है कि आपका डिप्रेशन जो है वो आपका मूड है, वो आपका मेंटल स्टेट है। कि आपका मूड खुश हैप्पी मूड है तो आप हैप्पी हैं, आप सैड हैं तो सैड हैं। अब आप डिप्रेस्ड क्या है? डिप्रेशन होती है एक्सट्रीम सैडनेस, कि आपकी कोई चीज़ जिंदगी में जो आपने सोचा वो नहीं हो रही जी। दैट्स व्हाई यू फीलिंग सैड एंड बैड एंड देन यू आर डीप इन दैट डिप्रेशन। बट यूजली लोग बिला वजह चीज़ का भी स्ट्रेस लेते हैं और उसको भी हम डिप्रेशन कह सकते हैं। हर चीज़ का है ना? हाँ, मतलब लोगों की वजह से ज़्यादातर डिप्रेशन कॉज होता है इंसान को। लोगों की वजह से, उनकी ख्वाहिशात की वजह से, चीजों की वजह से बहुत सी चीजें हैं। सो वही hurdles cause depression. Depression is mood. आपका अपना मूड है। मैं बैठी हुई हूँ, मेरे बाल अगर ये हवा से सही नहीं है तो मरियम आई कैन बी डिप्रेस। मेरे दिमाग में चल रहा होगा एंड दैट विल मेक मी थोड़ा सा sad, तो फिर upset. हम ये कह सकते हैं ना कि overthinking causes depression. Overthinking and thinking sort of negative, keep on thinking bad way में। Yes. अच्छी चीजें सोचोगे, हंसोगे, मजाक करोगे तो that is like positivity हो जाती है, hope होगी। And ये जो है जी, depression कोई बीमारी नहीं है। I know psychologist हैं, psychiatrist हैं। अब psychologist मरियम और psychiatrist में क्या फर्क है? साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो आपकी, जो जब हम जाते हैं साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं और उससे अपने दिल का हाल बताते हैं, जो आधा घंटा थेरेपी होती है, वो आपको मेडिसिन नहीं देता, वो आपकी बात को सुन के उसका रिप्लाई आपको देता है जिससे आप रिलैक्स होते हैं। ठीक है, ये थेरेपी है। उसके अलावा साइकेट्रिस्ट जो होता है वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट, अच्छा, एक थेरेपिस्ट भी कहा जाता है। हाँ। वो साइकोलॉजिस्ट को थेरेपिस्ट कहेंगे, वो ही अलग होता है। ये वही एक फॉर्म है कि दोनों जो उनसे हैं, जिसको क्लिनिकल एक वो फर्दर आपको जो डिप्लोमा मिलता है या आपको जो भी डिग्री मिलती है वो। तो बट एक चीज़ है ना कि यूजुअली अगर किसी कोई दोस्त बैठे हो, ग्रुप बैठा हो दोस्तों का, और वो सडनली ये कहे कि यार मेरी ना कल अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो दैट वुड बी ओके। बट अगर ये कहें कि जी मेरी साइकेट्रिस्ट से या थेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट है, तो लोग बड़ा उसको अजीब तरीके से लेते हैं। अरे इसको क्या मसला है, बेचारा बेचारा। आई थिंक इसको बेचारेपन में नहीं लेना चाहिए ना। इट्स फाइन, इट्स अ मेंटल स्टेट जो आपने कहा है। एग्जैक्टली। एंड जैसे कि देखें, वो इंसान जिसके पास खुद के पास कोई नहीं होएगा फैमिली मेंबर बात करने के लिए, इस तरह वो ही शायद ऑप्ट करेगा उनको। अदरवाइज तो मेरे ख्याल से एक दूसरे से बात करके बस गुस्सा भी निकल जाता है, बात भी हो जाती, रिलैक्सेशन भी हो जाती। एंड दिस इज थेरेपी। यस, यू नीड टू टॉक, दिस इज द थेरेपी। समटाइम्स हमारी आपस में चल रही होती है, वो इतना मरियम पकाती है बहुत सी बातों पे। सही बात है, फ्रेंकली ऑनेस्टली बहुत तंग करती है, डांटती है। मैं लगती हूँ डांटने वाली? यही तो प्रॉब्लम है, लगती नहीं है। अच्छा, बस बस। लेकिन ये कि हमारा आपस में चलता है। सो व्हेन ब्रदर सिस्टर्स फैमिली मेंबर फ्रेंड्स, क्यों कहा जाता है कि आपके दोस्त, आपका कंपनी कैसी है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अच्छा, डिप्रेशन की कॉज देखा जाए तो फ्रेंड्स भी हैं। आपकी नॉर्मल लाइफ होगी, वो आपकी नॉर्मल लाइफ में घुस के कहेंगे अरे यार ये चीज तो तेरी इस तरह नहीं जानी चाहिए थी। अच्छा, उस टाइम तो आप सुनते हो, फिर सारी रात आप सोचते हो अरे मेरे दोस्त ने कहा ये इस तरह क्यों नहीं गई चीज। वैसे नॉर्मल होता है, बट दे मेक यू रियलाइज, कह दें या दे मेक यू ओवरथिंक ऑन इट, यार ये उस चीज पे भी एक स्टार्टिंग इनिशियल कॉज है ये डिप्रेशन की। एग्जैक्टली। और इनिशियल, अच्छा आपको मरियम इसमें हमें क्या करना होता है? क्योंकि अब देखो, मैं एक एक्टर हूँ, मैं मॉडल भी हूँ और होस्ट भी हूँ। अब मैं जब लोग मुझे पहचानते हैं, मिलते हैं एंड दे आस्क के सोफिया मिर्ज़ा आजकल आप क्या कर रही हैं, ड्रामा कहाँ कर रही हैं। अब मैंने तीन ड्रामा किए, तीन डिफरेंट चैनल में लगे।
अब उसमें से 10% ऑफ दी अवाम उन्होंने देखा होगा, बाकी 90% ने नहीं देखा, तो सोफिया मिर्जा नहीं नजर आ रही और मुझे पूछ रहे हैं कि आप नजर नहीं आ रही। अब मैं चाहूँ तो इसको नेगेटिव ले लो, भाई मुझे तो लोग कह रहे हैं कि तुम नजर ही नहीं आ रही, ओह माय गॉड व्हाट शल आई डू, ओह गॉड मैं ये करती हूँ, मैं फनी वीडियो बना देती हूँ, अपना मजाक बनाती हूँ, मैं कोई उल्टी सीधी हरकत करती हूँ, मैं कोई मजाक बन जाती हूँ सोसाइटी के लिए शल, ताकि मेरे मैं नजर आऊँ। सो दिस इज समथिंग स्ट्रेंज कि आप लोगों की बातों पे उसको कर ही क्यों रहे हो, आप इतना ध्यान ही क्यों दे रहे हैं। यू नीड टू बिल्ड बाउंड्रीज, आई नीड टू हैव माई बाउंड्री, मैं इस शोबिज में हूँ, आई नो माई बाउंड्रीज। यू आर स्पोर्ट्स प्लेयर, टेनिस प्लेयर, माशाल्लाह स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं टेनिस प्लेयर, तो टेनिस प्लेयर मरियम मिर्जा जो हैं इनकी अपनी बाउंड्रीज हैं, हर किसी का एक तरीका और सलीका है। अच्छा लोग ना, मैं आपको इधर बात करूंगी कि लोग क्या करते हैं, जब तक आप रिलेट नहीं ना हो किसी चीज़ से, किसी सेलिब्रिटी से या स्टार से, तब तक वो आपको ना डिप्रेस करते हैं अपनी बातों से। टेनिस प्लेयर होने के ताल्लुक से बता रही हूँ कि आई वॉज़ वेरी फैट, मैं काफ़ी मोटी थी, फिर मैंने कम किया। अच्छा उस चीज़ को अप्रिशिएट तो किया है, लेकिन नहीं थोड़ा सा और कर लो यार, जो मैंने 20 किलो कम किया, 27 kgs आई लॉस्ट, तो उसको अप्रिशिएट तो करो। अच्छा वो हो गया, उसके बाद आपको याद है मैं थोड़ा सा स्ट्रेस अप होने लग पड़ी थी, थोड़ा नहीं भाई बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रही थी, डिप्रेशन में आ गई थी। तो इन्होंने मुझे बड़ी मज़े की बात की कि अगर कोई अब नेक्स्ट टाइम कहे ना, तो उनको सरीना विलियम्स की मिसाल देना कि वो जितनी हेल्दी है तुम उतनी नहीं हो। तो द थिंग इज़ हम पॉजिटिव ले सकते हैं इस चीज़ को। मेरी घर में मेरी ऐसी फैमिली मेम्बर थी जो मुझे थोड़ा रिलैक्स कर गई, एज अ थेरेपी मेरी कर दी। तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारी फैमिली मेंबर्स या हमारे अपने ही हमें सपोर्ट करें और गाइड अच्छा करें, तो वो बेहतर हो जाएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप पहचाने किस वजह से जाते हैं, यू आर नॉट ए मॉडल और एक्टर कि जिसे बहुत थिन होना है, कैमरा में नजर आना है, वो मेरा मसला है ना, क्योंकि मुझे कैमरा में अच्छा लगना है, मुझे येस आई हैव टू लूज वेट। आपको एक हद तक वेट लॉस करना है ताकि आप एज अ टेनिस प्लेयर उसको मेंटेन करो, आपको नुकसान। अच्छा ये वेट लॉस की तो वैसे गलत सोच है, ये तो ज़्यादातर लोगों को डिप्रेस करती है। इट्स ऑल अबाउट पुटिंग ऑन मसल्स रादर देन गेनिंग फैट। एक अच्छी हेल्दी जो होता है ना, इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट, नहीं लूजिंग वेट इज इंपॉर्टेंट मरियम, नहीं यार इट्स नॉट बीइंग फिट कि आपके जो आपको पता नहीं है आपके जो लाइक क्या कहते हैं जॉइंट्स, उन पे कितना वेट आ रहा है, वो तो आई नो वेट एक हद तक ठीक है। आप लोगों को ये ना कहो ना कि आप मोटे हो जाए, मसल बना के इतने जवान बन जाए यार, ये क्या मैं कह रही हूं, इंचेस लूज करें, इंचेस लूज करें बट वेट भी तो कम करें। आप 100 किलो के होके इतने बड़े डशकरे बने हो, सॉरी लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, बट कोई मैं इस वक्त बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, ये जस्ट फन है। एनीवेज सो वो आप जो ह्यूज बनते हैं तो वो भी एक वेट है, आपके मसल्स का, आपकी हड्डियों का वेट है। सो आपको अपनी वेट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। चले जी, अब एक तो मरियम हाउ टू डील डिप्रेशन, दैट्स इंपॉर्टेंट विच आई विल टेल। बट हमने वो लास्ट आपने एक वीडियो बनाई थी जी। और आपने कहा था लोग क्वेश्चन करें, सो इज देयर सम, अभी सवाल ले लें हम। हाँ जी, वी कैन टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। वेलकम सोफिया एंड मरियम, सो माई क्वेश्चन वुड बी what steps or initiatives should be taken in order to bring awareness among people about this so-called disease known as depression, and why is it so that it's spreading like a virus, especially among the youth, the young generation? And thirdly, I would like to ask you, Mariam, that being a sports person yourself, do you think tennis or any other sport can help a patient in dealing with this disease of depression or any other exercise activity? Mahnoor, depression in youth, yes, it's growing. It's growing. क्योंकि हमारी जो एक fast race और rat race जिसे कहते हैं, यानी मैंने आगे बढ़ना है, मैंने बेहतर बनना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, जब आप achievements की तरफ जाते हैं, वही जो मरियम ने बात की थी कि आपको जब कहा जाता है friends, fellows कि अरे वाह तुमने आज ये ड्रेस पहना है, तो नेक्स्ट डे जब पहनोगी तो उसको कहेंगे अरे तुमने तो सेम पहन लिया। सो दैट डिप्रेसेस एंड ऑब्वियस है, ये हर किसी को करता है। यूथ आजकल, आप मरियम, मैं आई कैन सी बिकॉज आप मुझसे छोटे हो, तो आई कैन सी कि यू हैव डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप ज़्यादा चाहते हो कि मैं गोल अचीव करूँ और जल्दी जल्दी, यू नो, एक स्पीड। सो ये जो चीज़ है उसको थोड़ा सा कम करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब डिप्रेशन हो तो आप अपने से जो कमतर है उसके बारे में ज़रूर सोचें। व्हाट आई डू, दिस इज़ माय थेरेपी, कि मैं जब भी कोई ऐसा शख्स जो पूरे फैमिली में, पूरे जहां भी होता है, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में कितनी सोफिया मिर्जा है,
अच्छा कितने करोड़ों की आवाम में मैं एक हूँ। आप भी ये सोचिए, आप तो मरियम के फेलो टेनिस प्लेयर हैं, आप पाकिस्तान में कितने टेनिस प्लेयर तो देखते हो और वो किस किस मकाम पे हैं। जैसे मरियम माशाल्लाह टॉप 10 में है, तो मरियम जो है टॉप 10 में होते हुए ये सोचे हो मैं दुनिया की नंबर 1 क्यों नहीं हूँ। आई रियली वॉन्ट यू टू थैंक गॉड कि आप टॉप 10 में तो आए, आप 22-23 करोड़ की आवाम से मज़ीद कितना आगे आए हो। सो ये चीज़ जो है डिप्रेशन, सबसे पहली बात जब हो रहा हो या दोस्त बोल रहे हो तो आप अवॉइड करें उनकी बातों को जो आपको लेट डाउन करें। They're not friends. Avoid them, ठीक है? और make good friends जो आपको comfort करें। और सबसे बड़ी बात जाहिर है अल्लाह ताला से आप दुआ करते हैं, मांगते हैं। और जब डिप्रेशन हो रहा हो ना मरियम, मेरी जो थेरेपी है, आप अगर बैठे हुए हैं वॉक करके साइड पे हो जाएं, एक्सरसाइज कर लें। हाँ वो उसने वो जो क्वेश्चन भी किया एक साथ ही एक क्वेश्चन कर दिया कि कैन टेनिस और स्पोर्ट्स हेल्प, तो आई थिंक इट कैन हेल्प drastically amazingly बल्कि क्योंकि आप कुछ सोचो, आप घर में बैठे हो, कुछ भी नहीं है करने को, बेशक आप टीवी देख रहे हो, बट आई डोंट थिंक सो योर नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आपको, आप बोर हो रहे हो, आप कुछ करोगे ना बाहर जाके, मतलब स्पोर्ट्स कर लो, टेनिस स्पेशली। मैं कहती हूँ मुझे जब भी गुस्सा आता है ना, गुस्सा लिटरली जब मुझे घर से बहुत डांट पिटती है तो मैं भागती हूँ अपनी टेनिस खेलने, और मैं इतनी जोर जोर की सर्व्स मारती हूँ, गेंद का बुरा हाल कर देती हूँ, बॉल्स खराब करके लाती हूँ मैं लिटरली। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। एंड वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल, एक और क्वेश्चन है, सुन लेते हैं पहले क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फजल अब्बास है फ्रॉम नैया, और मेरा ये क्वेश्चन है कि जब इंसान को डिप्रेशन होता है तो उस सिचुएशन में इंसान को ऐसे क्या करना चाहिए कि ऐसी हालत में भी वो अपने आप को मजबूत बना सके। अच्छा, आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्ट कि ये फजल हैं नैया से और इन्होंने ये वीडियो भेजी, ही इज डिसेबल्ड, तो दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग, ऐसी हालत इन्होंने जो कहा है। तो व्हाट वुड यू से अबाउट डिप्रेशन? ओके मिस्टर फजल, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू आपने भेजा लिया से ये। स्पेशली जो ऐसे लोग होते हैं ना मरियम, ये अल्लाह ताला के खास लोग होते हैं, जो डिसेबल्ड सो कॉल्ड होते हैं या आप स्पेशल लोग हैं, आप अल्लाह ताला के खास लोग हैं। आई नो बहुत सी चीज़ें हैं आपको बहुत दुख देती हैं, ज़ाहिर है आपके लेग्स नहीं हैं तो ईजी नहीं है, तकलीफ़ दे है, लेकिन इसमें भी अल्लाह की हर चीज़ में बेहतरी होती है। बट इसमें डिप्रेशन नहीं लेना। अब देखें, आप एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि आप जो उनसे हैं, या तो इफ़ इट्स बेटर टू क्राई इन अ मर्सिडीज़ बेंज देन ऑन अ बाइसिकल। अब आपकी ज़िंदगी में अगर एक चीज़ नहीं है, आप या तो उसको रो के ज़िंदगी गुजार लो कि हाय मेरे साथ ये हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ क्यों किया, कंप्लेन्स एंड हर्ट, तो वो क्या करेगा, आप ही को तकलीफ़ दे रहा है ना, मुझे या किसी और को नहीं दे रहा है वो तकलीफ़। सो आपने ख़ुद को उस तकलीफ़ से निकालना है और एक इंस्पिरेशन बनना है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप माहिर हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, हो सकता है कुछ भी, आप टीच कर सकते हैं, आप कोई चीज़ बना सकते हैं, आप कोई बर्तन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी महारत को अपनी टांगे बनाएं, उसको अपना स्किल को अपनी टांगे बनाएं, ताकि दुनिया ये ना कहे। अब आपको ये स्टीफन हॉकिंस है, उनको देख लो कि उन्होंने ब्लैक होल बताया और वो पूरा जिस्म नहीं है उसका, ठीक है, और पूरा जिस्म पैरालाइज है, बस दिमाग चल रहा है, बट इवन देन वो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट उसने क्लियर किया, बताया, एक साइंटिस्ट है वो। बट ये भी तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि थोड़ा सा सोसाइटी भी सपोर्टिव नहीं होती इस मामले में, मतलब देखा जाए तो वो तंग करते हैं, छेड़ते हैं। देखो सॉरी टू से, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन देखो अगर उनके छेड़ने को आप इतना स्ट्रांग करो, अपने आप को मसल जरा बनाओ, थोड़ा स्ट्रांग बनो, बी नॉर्मल, ये नॉर्मल है, आप इस वक्त नॉर्मल हैं, कोई कमी नहीं है आप में, अपनी मजबूती बनाओ। आपने देखा नहीं है कि कितना वो जो पैरालंपिक्स हो रहे होते हैं, किसी की टांगे नहीं है, बाजू नहीं है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपकी बाजू आपके पास है, उसको ताकत बनाए, गुड आइडिया है ना। सो अपनी बाजुओं को ताकत बनाए, अपने जहन को ताकत बनाए, पॉजिटिव बने और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दो बाजू हैं, आपका बाकी का जिस्म है, आप बिल्कुल किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सो ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन पॉसिबल हो जाएगा। सो मेरे भाई बी अ हीरो, कुछ बन के दिखाओ और मुझे बताना है आपने नेक्स्ट की क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ की है फजल। यस वी विल डेफिनेटली नो अबाउट दैट। पर एक चीज़ सोफिया, मेरे माइंड में भी एक सवाल आया, उसका भी बताएं। कभी कभी क्या होता है कि एक डिप्रेस्ड इंसान एक खुश इंसान को डिप्रेस में डालने की कोशिश करता है, डिप्रेशन में ना। हाँ डिप्रेशन में, दैट इज नॉट नाइस, क्योंकि वो आप अपना स्ट्रेस, आप हो, आपका दुख है, एक होता है टॉक आउट, बात करना, एक होता है ये खुश है
ये हैप्पी है, मैं इसको टेंशन दूं ताकि हम दोनों बराबर लेवल पे आ जाएं, ये मैंने बहुत देखा है और मैं हैरान होती हूँ कि यार किसी को खुश तो रहने दो जो खुश है। अब देखो ना वो नेगेटिविटी है, अब डिप्रेशन है, आप किसी में, यही तो आपको कह रही हूँ कि आप किसी की बातों को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो, हम खुद ही इसको इम्पोर्टेंट बना देते हैं तो फिर क्या होगा। बट देखे ना जैसे माएँ बेटियों को कहती हैं अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैंने तो अपने बचपन में इतना कुछ किया तुम ये, अरे आपका बचपन एक टाइम पे था, अभी उसका टाइम है, वक्त बदल रहा है, तो थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंट होना चाहिए, बजाय वही चीज़ करके उस बच्ची को भी या उस बच्चे को भी आप बिल्कुल दबा दें। आई डोंट थिंक सो कि देखें आप 90s या 80s का चीज़ नहीं डाल सकते। हाँ जहाँ कल्चर है, जहाँ रिलीजन है, उस पर मैं नहीं बोल रही, वो डेफिनेटली हमें फॉलो करना है, बट जहाँ सिचुएशन आती है, आपके टाइम पर सिचुएशंस अलग थी। मैं मरियम तुम्हें बताना चाहती हूँ, देखो माँ बाप जब हमें बताते हैं ना वो अपनी उस तजर्बे से गुजर चुके हो। अम्मी ने मुझे एक्सपीरियंस बताया कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, आफ्टर 10 ईयर्स मुझे पता लगा और ये वाकई ये ठीक नहीं था, आफ्टर 2 ईयर्स पता लगा शी वॉज राइट। तो वाई आप तजर्बा करके हर्ट होके उससे सीखें, आपको पेरेंट्स सिखाते हैं अपने तजर्बे से, बहन भाई बड़े जो हैं या दूसरे जो अक्लमंद लोग हैं वो सिखाते हैं कि सेंसिबल बनो। अब आपने उसको हार्डेस्ट वे में नहीं सीखना कि मैं भाई अभी मैं देखती हूँ क्या होगा, आपको सब्र करना चाहिए। सही है सही। अब आप लेट डाउन ही उससे होगी, बड़ों की इज्जत करनी है वो करनी got it. है हाँ, वो ठीक है, अब इतनी भी नहीं करनी कि वो गलत कह रहे हैं तो वो भी करनी है, तो दैट इज लाइक अकल होनी चाहिए, न्यूट्रल रखें, न्यूट्रल रखें। हाँ ठीक है बस, ठीक है मान गई यार तो डिस्कशन नहीं, मैं डिप्रेशन वही ना, बस न्यूट्रल न्यूट्रल है। लेकिन मरियम डिप्रेशन को आप कैसे ओवरकम करते हो? मैं तो मैंने बताया, मैं जस्ट आई हैंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स, आई हैव गॉट अल्हम्दुलिल्लाह काइंड ऑफ गुड फ्रेंड्स, और थोड़ा सा ये होता है कि गेम कर ली, आपसे गप्पे मार ली, मेरे शुक्र है घर में इतनी अच्छी बात करने वाली बंदी है, नहीं तो लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है फैमिली में बात करने को भी नहीं मिलता है, अच्छा पापा के या मम्मा के पास जाना, अच्छा मम्मा पापा मेरा स्ट्रेस है, हाँ तो हमारा कम था, ओ भाई हमारा तो सुन लो यार, ये बात है क्या क्या, दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज कि आप अपना मत बताएं, बच्चे को तो सुन लें, उसकी लाइफ में बहुत कुछ डिफरेंट चल रहा है, नहीं सुने और बताएं भी, हाँ बट नहीं वो बताते देखें सीख मिले। अभी भी मैं अपनी साइड से ये एंड करूंगी कि अभी भी क्या होता है कि वो रिलेट कर जाते हैं, आप उस बच्चे की लाइफस्टाइल आजकल का टाइम देखें, यू नेवर नो आपके टाइम पे बहुत अच्छे लोग दोस्त होते होंगे, अभी हर कोई वो है मटेरियलिस्टिक है, मरियम हर वक्त हर जमाने में अच्छे बुरे लोग रहे हैं, 40s की फिल्मों में देख लो उसमें भी वही विलन होते हैं और हीरो हीरोइन होते हैं, अब भी देख लो विलन हीरो हीरोइन होते हैं, मेरी एज में भी नेगेटिव लोग थे पॉजिटिव थे, आपकी एज में बट मेरे ख्याल से पेरेंट्स को या फैमिली मेंबर को भी बट वी शुड आल्सो लिसन टू देम, क्योंकि वो उनके जो बता रहे होते हैं वो अपना तजर्बा बता, वो तो बदतमीज है ना बच्चे जो नहीं सुनते, आई एम जस्ट सेइंग कि उनके साथ बात क्या करें, अपनी बातें मत लें, मेरा पॉइंट ये पे एंड है, ओके आपका आपका बताओ। सो मेरा पॉइंट ये है कि जब मैं डिप्रेस्ड होती हूँ तो मैं जाहिर है मेरी आदत जरा अलग है, मैं अलग हो जाती हूँ और अपने रूम में जाके या तो बुक पढ़ती हूँ या मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अपना ध्यान बटा लेती हूँ, वॉक करती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा अगर मूड हो तो बर्तन धो लेती हूँ। हाँ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भूलिए, इनको मैं जब भी गुस्से में या डिप्रेशन में देखती हूँ सबसे पहले नमाज पकड़ के वो जाय नमाज पकड़ के नमाज पढ़ती हैं, तो ये मैंने देखा, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई हैव सीन, यस डायरेक्ट टॉकिंग टू अल्लाह, यस दैट्स हर, सो दैट इज द बेस्ट थिंग, यस वेल डिप्रेशन हाँ इट्स डन नाउ, बट देखो यार डिप्रेशन में इतनी बात हो गई, कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, अब इसको इस बात पे डिप्रेशन हो गया, ओह गॉड मरियम बस करो यार, ओह अल्लाह, खुश रहे खुश रहे खुश रहे और अपना जो ध्यान है वो अपनी जात पे लगाएं, लोगों की चीजों को देख के, एक एग्जांपल देती हूँ, अम्मी बताती थी कि दूसरों के लाल चेहरे देख के अपने मुंह को थप्पड़ मार के लाल ना करो, सो जो है उस पे शुक्र अदा करें और डिप्रेस नहीं होना अल्लाह से राबता करें, आप किसी भी रिलीजन से अपने अल्लाह से गॉड से जिससे भी राबता रखना चाहते हैं, और प्लीज पॉजिटिव रहें, ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।